अमृत नगर जोगेश्वरी में नागरिकता कानून पर ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन। मैदान में प्रदर्शन के दौरान भूख, लूट, मनुवाद, सूटबूट की सरकार से आजादी के नारे लगाए, साथ ही इंकलाब जिंदाबाद की आवाजों से मैदान गूंज उठा। कार्यक्रम में लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाकर देश के सूरवीरों को याद किया। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ यह नजारा जोगेश्वरी पश्चिम स्थित अमृत नगर के पीछे राम मंदिर रोड सोमानी ग्राउंड का है, जहां महिलाओं और स्टूडेंट के साथ हजारों की तादाद में लोगों ने एकजुट होकर CAA, NPR और NRC के खिलाफ आजादी के नाम पर नारे लगाए। हम लोग एक संतों की संतान है, हम संतों मनुष्य की संतान है, बंदरों की संतान नहीं है। वन गॉड वन ह्यूमन पीपल इन इंडिया। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत नहीं है तो क्या फायदा है। 19 जनवरी रविवार दोपहर 3 से 5 के बीच सोमानी मैदान में ये आजादी के नारे देश के लोगों के लिए कानूनी आजादी पर लगाए जा रहे थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने देश भर में नागरिकों के साथ होने वाली कानूनी अत्याचार पर जोर देते हुए सरकार को अपनी तकलीफ बयान करने का कोशिश की। आप जन्म लेते हो वो आपकी मातृभूमि होती है, वहां से आपको हटाने का किसी को अधिकार नहीं है, और कागज मांगने का ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ पूरे देश की दुनिया है। एडवोकेट राकेश राठौड़, रेखा ठाकुर, मौलाना फैयाज साकिब बाकर, विनीत विचारे, सुवर्णा सालवी, मौलाना एजाज कश्मीरी, फरीद शेख, शहरयार अंसारी, साकिर शेख, डॉक्टर आमना, तनवीर खानम और अब्दुल अली ने मंच का संचालन कर नागरिकता कानून पर भारतवासियों के साथ दस्तावेजों की राजनीति पर प्रकाश डाला। साथ ही मंच पर समता कला मंच के विद्यार्थियों ने देश भर में हो रहे नागरिकता कानून पर उग्र वातावरण को अपनी कला के द्वारा विरोध जताया। जब तक मोदी शाह दिल्ली में है तब तक ऐसे ही आंदोलन करने वाले हैं। जब तक RSS भाजपा देश में दहशत फैला रहे तब तक आंदोलन करेंगे। उनको ये बताना है हमको कि ये जनसेल आपसे निकला है वो सिर्फ NRC या फिर CAA के खिलाफ नहीं है, ये इनके हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, इनकी सोच के खिलाफ है, इनके मनुवाद के खिलाफ है, इनके निजीकरण के खिलाफ है, इनकी फेल हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, इनके नोटबंदी के खिलाफ है। हमको उनको ये बताना है कि लंबी लड़ाई है और ये चलती रहेगी। मौके पर प्रदर्शन का हिस्सा बने MA कश्मीरी, गफूर खान, विनोद नेगी, मंसूर उमर दरवेश, मोहसिन हैदर, शफीक फारूक पटेल, सलीम शेख आदि मौजूद थे। इनसे मुलाकात में बताया कि हमारे मतदान से बनी सरकार ही हमारी नागरिकता पर आज सवाल कर रही है, अगर हमें भारत की नागरिकता सिद्ध करनी है तो हमारे प्रधानमंत्री किसके फैसले पर सरकार चला रहे हैं, पहले मोदी और अमित शाह को अपने पद त्याग कर उनकी नागरिकता सिद्ध करनी चाहिए। बने उसी गांव का रहने वाला ये मोदी शाह हम लोगों को बोलता है तुम नागरिकता दिखाओ, अरे तुम अपनी नागरिकता हम लोगों को दिखाओ, तुम कहाँ से आए? बोलते हैं इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन इज माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। वो वर्ल्ड किधर चला गया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कुल मिले हैं इसकी प्यारे सीता हमारा। अरे धमकियां दिया न करो, धमकियां दिया न करो मोम की तलवार से, धमकियां दिया न करो मोम की तलवार से, ये शेर कभी डरते नहीं है जीवनों की वार से। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वालों ने पूरी एहतियात बरतकर नागरिकता कानून पर विरोध करने आए लोगों का स्वागत किया। मैदान में नौजवान, बच्चों और महिलाओं तथा बुजुर्गों ने देश का तिरंगा हाथ में लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। गलती भी वहां से हुई है कि जब गोडसे के मानने वालों ने आगे हिंदुस्तानियों से उनके देशभक्ति का सबूत मांगा था, उस वक्त लोगों को देशभक्ति का सबूत नहीं देना चाहिए था, बल्कि पूछना चाहिए था कि जो लोग कल अंग्रेजों की दलाली और चमचागिरी कर रहे हैं
कर रहे थे वो आज हमसे देशभक्ति का सबूत कैसे मांग सकते हैं। हमने अंग्रेजों को यहाँ कब्जा करने दिया, न आज उनके दलालों को यहाँ कब्जा करने देंगे। अनुकूल हालात हमारी खराब हो चुकी है, आज हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों में बदनाम हो चुका है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरों के यहाँ उनके इलेक्शन की एडवर्टीजमेंट करता है, ये हमारे मुल्क की तौहीन है। लेकिन इसके मुकाबले में अब वो दिन दूर नहीं कि जब हम इन हालात से बाहर आ जाएंगे। अजीजान मोहतरम, मसला इसका नहीं है कि CA है, NRC है, मुश्किल ये है कि मुल्क हर एतबार से गड्ढे में जा रहा है। हमको सिर्फ इसकी बात नहीं करनी है कि CA वापस लिया जाए, NRC वापस ली जाए, हमें इसकी बात करनी है कि BJP को वापस भेजा जाए, क्योंकि इसके अंदर मुल्क चलाने की हैसियत नहीं है। मैदान में प्रदर्शन के दौरान भूख से आज़ादी, लूट खसोट से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, सूट बूट से आज़ादी के नारों के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। आखिर में राष्ट्रगान गाकर प्रदर्शन को समाप्त किया गया। संवाददाता जुनैद मूसा शेख के साथ अशफाक खान, इंडियन फास्ट ट्रैक।